मध्य प्रदेश में बीजेपी पर लगाए गए विधायकों के खरीद फरोख्त के दावों के बाद से ही सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग उनके और बीएसपी के विधायकों को गुरुग्राम के एक होटल में बंधक बनाए हुए हैं। मंगलवार की सुबह कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह बीएसपी से निलंबित विधायक रमाबाई को लेकर चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि रमाबाई के पति गोविंद ने इसका खंडन करते हुए कहा कि रमाबाई अपनी बेटी से मिलने के लिए दिल्ली गई हैं। इसके बाद मंगलवार रात को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली जाने को लेकर भी राज्य में जमकर राजनीति हुई। आनन फानन में कांग्रेस ने भी रात मंत्री जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह को दिल्ली के लिए रवाना किया। पटवारी ने बताया कि उनके होटल पहुंचने से पहले ही सभी विधायकों को कहीं और भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि केवल रमाबाई ही होटल के बाहर मिली। वहीं दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, नरोत्तम मिश्रा, संजय पाठक और अरविंद भदौरिया विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के कब्जे में कांग्रेस के 6 विधायकों के साथ कुल 10 से 11 विधायक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सभी 6 विधायक वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें रोक रही है। कांग्रेस इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बता दें कि इस मुद्दे पर राज्य से लेकर दिल्ली तक के बीजेपी नेता टिप्पणी करने से बच रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक शिवराज के दिल्ली जाने पर पार्टी के आला नेताओं की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि कोई टिप्पणी ना की जाए। खरीद फरोख्त मामले पर ग्वालियर में कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुझे विधायकों के खरीद फरोख्त की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है। चल बेटा वो गाड़ी हाँ करा देंगे हाँ कराएंगे लो हाँ कोई बात नहीं दीदी आप बैठे।